हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे होते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या होता है होल नंबर्स, है ना। इन सब नंबर्स में आपको बहुत डाउट हो रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं उस सब डाउट्स को क्लियर करते हैं। आइए समझते हैं नंबर को कैसे क्लासीफाई किया गया। देखिए, नंबर जो होता है मेनली नंबर लाइन्स पर तीन टाइप के नंबर कंप्लेक्स किए जाते हैं ना, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी हमने आगे कैटेगराइज किया, जैसे आपने देखा होगा क्या इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, वो सब किसका पार्ट होता है, सब होता है रियल नंबर्स का पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना आपको वो रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लिखना चाहें तो जैसे 2 + √ -3 ऐसे करके, √ है ना। देखिए, अंडर रूट में जो नंबर माइनस दे दे वो होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे इमेजिनरी नंबर होता है आपका माइनस का, अंडर रूट के अंदर माइनस का हो गया 2, अंडर रूट के अंदर हो गया आपका माइनस का, अंडर रूट के -3। यानी सिंपली इसे हम लिखते हैं आई से, आई फॉर होता है आयोटा, ठीक। जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है ना उसे हम लिखते हैं आई से, आई का मतलब होता है आयोटा। आपको पता होगा कि आई स्क्वायर बराबर होता है क्या -1, है ना, आई की पावर 4 बराबर क्या होता है 1, है ना, इस तरह से। देखिए, आप देखिए, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मेन, और आपका इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल प्लस इमेजिनरी से मिलकर बना होता है। जो आपका इमेजिनरी नंबर, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनकी जिनमें जो ना अंडर रूट में माइनस दे दे, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं क्या इमेजिनरी नंबर। अब आपका इमेजिनरी और प्लस रियल को मिला देंगे तो आपका नंबर बनेगा कॉम्प्लेक्स। इसका अगर सिंपल फॉर्म देखा जाए तो ये होता है आपका, कोई भी नंबर होगा आपका, ठीक, और प्लस अंडर रूट के अंदर आपका समझ लो माइनस का आई, ऐसे करके, ठीक। तो ये ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं रियल नंबर को कैसे कैटेगराइज किया। देखिए, रियल नंबर जो होते हैं आपका इंटीजर्स होता है, रेशनल होता है, इरेशनल, डेसिमल, ये सब किसका पार्ट है, ये सब रियल नंबर्स का पार्ट होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 5, 2, 7, -7, यानी 0 और +- सबको ऐड कर दो तो आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, और जहाँ क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लिखना चाहें तो कैसे, से 5/2 हो गया, 3/7, ऐसे करके, इस तरह की जो संख्याएं होती वो सब आपकी रेशनल नंबर्स होती हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, समझ गए कि नहीं, ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल क्या होता है, देखिए इसके एग्जांपल में आपका आता है π, e^x और कॉमा आपका log हो गया, और जितने भी अंडर रूट में 2, 3, ये सब नंबर हम होते हैं इरेशनल नंबर। π, e^x, log, अंडर रूट और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। देखिए, डेसिमल नंबर मतलब जैसे 5.2 हो गया, 5.3, ऐसे जिसमें पॉइंट लगा हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं दशमलव अंक या फिर डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को भी हम 2 कैटेगराइज में बांट सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे हम यहाँ पर लिखें अगर 5/2, इसको काटे तो 2 × 4 = 1, 2.5, देखो टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया कहीं जाकर, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2.5, 3.5, इस तरह ऐसे नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे अगर आप हम बोले कि, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 2/3 है, इसको डिवाइड करके दिखाओ, तो अगर आप बोलेंगे तो 3 को लिखेंगे 2, पॉइंट लगाएं 20, 6, 6, 6, डॉट डॉट बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ही ना हो। तो जैसे हम बोल सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट, ऐसे नंबर्स हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर हम देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसा परफेक्ट नंबर को, ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक। अब देखिए, हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कितने कैटेगराइज में बांट सकते हैं, परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सब क्या होते हैं समझिए। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसका फैक्टर करो, है ना, तो जो फैक्टर कहते हैं ना छोटे छोटे नंबर्स, उनका सम भी वही नंबर आ जाए। जैसे कैसे, जैसे यहाँ पर हम लिखें 6, 6 आपका पहला परफेक्ट नंबर होता है। अगर इसका फैक्टर करने जाएंगे तो देखिए, 6 का अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, 3 = 1, 3
और यहाँ पर एक। अब इन तीनों को जोड़ के भी देखेंगे तो एक प्लस तीन हो गया चार, चार दो छः, यानी फैक्टर करो और जो नंबर बचे उनका सम करके देखो तब भी कितना आ जाए, वही तो इस ऐसे नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक, तो सबसे जो होता है छोटा परफेक्ट नंबर हो छः, उसके बाद आता है आपका 28, फिर आपका होता है 81 और 28, ऐसे करके ये सारे आपके परफेक्ट नंबर। इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2, फिर 5, फिर 7, देखिए इनके फैक्टर नहीं होंगे, बस एक ही फैक्टर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9 नहीं हो सकता, फिर आपका होगा 11, 11 के बाद 13, ऐसे डॉट डॉट ऐड, ये सब नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर का मतलब भाज्य संख्या है, कंपोजिट मतलब अभाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, जैसे आपका क्या हो जाएगा 4, 4 के दो से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर करके देखिए 2 × 2 × 1 हो गए 3 फैक्टर, तो यानी ऐसे ऐसे नंबर जिनके आप दो से ज़्यादा फैक्टर कर सकते हैं ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 9 हो गया आपका, 6 हो गया, ये सब ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका एच सी एफ हमेशा 1 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे को ना डिवाइड कर सके, जैसे हम लिख दें 5, 6, ये दोनों नंबर क्या है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। क्या बताइए इनमें इनमें कुछ कॉमन है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, तो ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या को प्राइम नंबर, 5, 6 को प्राइम नंबर, समझ गए कि नहीं समझ गए। और अगर लिखना हम चाहें तो हो गया 7, 11 को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो एक बार फिर से समझिए, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका रियल प्लस इमेजनरी, इमेजनरी ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस दे दे। ठीक, फिर देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ऐसे नंबर जैसे 0 माइनस और प्लस सब कुछ ऐड कर दो। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू के फॉर्म में। डेसिमल दो टाइप के, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए टर्मिनेटिंग, जो ना टर्मिनेट हो तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स भी कई टाइप के होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर यहाँ पर देखेंगे होल नंबर निगेटिव, होल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर में आपका 0, 1, 2, ... ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स, मतलब वो जीरो से स्टार्ट हो आखिरी इनफाइनाइट तक चलते जाए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव में लिख दो -1, -2, -3, ... निगेटिव इंटीजर हो गया, इसमें क्या होता है। फिर देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर इतने टाइप के होते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इसको अच्छे से महसूस करिए, सोचिए, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू एवरीवन, लाइट चली गई है, मजा आ रहा होगा।